हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। पहले दोस्तों, नॉट सेट 7 का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट में बहुत सारी सफलताएं के साथ में बहुत सारी असफलताएं भी है। सफलता की जर्नी जो है वो जिन बच्चों ने तय की है और जिन बच्चों ने इस एग्जाम को क्रैक किया है उनके सफलता की कहानी हम आप लोगों तक लेके आ रहे हैं उनकी जुबानी, ताकि आने वाले एग्जाम्स में उनके जो तरीके हैं, उनके जो पैटर्न है, वो आप लोगों को मदद करे और आप लोग जो है आने वाले एग्जाम्स में अच्छा कर जाए। तो आज इस सफलता की कहानी में मेरे साथ है सौम्या। सौम्या बेसिकली उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और सौम्या ने इस एग्जाम को 49 ऑल इंडिया 49 रैंक के साथ में क्रैक किया है। ये अपने आप में बहुत अच्छी रैंक है। तो चलिए मिलते हैं सौम्या से। सौम्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सौम्या, जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि आप उड़ीसा से हैं, तो आप उड़ीसा में कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर, उड़ीसा में सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, तो वहीं से मैं बिलोंग करती हूँ। अच्छा, तो सौम्या ने अपना जो बीएससी या अपना ग्रेजुएशन है वो कब कंप्लीट किया? 2023 फरवरी में पास आउट हुई सर। 2023 में। अच्छा सौम्या, उसके बाद में आपने नॉर्सेट का एग्जाम जो है वो ये दिया है जी, अभी नॉर्सेट 7। इससे पहले आपने कितने एग्जाम दिए हैं नॉर्सेट के? सर, मैं जब पास आउट हुई तो नॉर्सेट 4 दिया था, लेकिन उस टाइम मैं प्रिपेयर नहीं थी। फिर नॉर्सेट 5 दिया, उसमें मेरा प्रीलिम्स हो गया था, लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी से होने की वजह से मेंस में उतना सिक्योर नहीं कर पाई सर। फिर नॉर्सेट 6 मैंने थोड़ा प्रिपरेशन में दिया और एग्जाम नहीं दिया था, फिर डायरेक्टली 7। हाँ, अच्छा सौम्या, उत्कर्ष के साथ में जो जर्नी है उसका वो पहला दिन कौन सा है? मतलब क्या ऐसा इवेंट रहा था कि आप उत्कर्ष से जुड़े, मतलब वो कैसे पता चला आपको? सर, एक्चुअली ये एक इंटरेस्टिंग बात है। मैं नॉर्सेट 5 के बाद मतलब ज्वाइन कर दी थी एक कॉलेज में, वहां पे मैं एज ए ट्यूटर पढ़ाती थी। तो फिर जॉब के टाइम पे मतलब बुक, इतना हैवी बुक्स लेके जाना पढ़ना वो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो सोची कि फ्री टाइम कुछ है या कुछ ऐसे मुझे लीजर टाइम मिल गया तो फिर मोबाइल से ही पढ़ लेते हैं, उसी में भी मतलब बहुत कुछ मिल जाएगा। तो फिर यूट्यूब से सर्च करते करते मुझे आपका वीडियो दिखा, तो फिर उसमें व्यूज भी बहुत गए थे, तो मुझे तो मैं आपका क्लास लेके देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका मतलब समझाने का तरीका। आप एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर, आप बेसिक क्वेश्चंस लाते हैं लेकिन उसको इतने इतना अच्छे से समझाते हैं। और एक खास बात है कि आप रिवीजन बहुत अच्छा करवाते हैं, मतलब वही एक इंसान भूल जाएगा, एक स्टूडेंट भूल जाएगा, रिवीजन सर सबसे इम्पोर्टेंट है, वो तो मुझे समझ आ गया। ज्यादा पढ़ना जरूरत नहीं है लेकिन कम पढ़ के भी उतना रिवाइज करते रहना, कंसेप्ट क्लियर करना, वो तो समझ आ गया। बहुत सुंदर बात पकड़ी है सौम्या ने, मतलब आपकी बात जो है सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी एक चीज को 10 बार पढ़ना जरूरी है, ना कि 10 नई नई चीजें पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं है। मतलब आप बच्चे सुनो कि सौम्या ने ऑल इंडिया 49 रैंक अचीव किया है और सौम्या की ये वर्ड है कि आप एक चीज को 10 बार पढ़ो। आप जितनी बार चीजों को रिवाइज करोगे वो आपके मेमोरी के अंदर परमानेंसी पैदा करती है, और जब आपकी मेमोरी में वो ज्ञान होगा तो फिर आप सौम्या की तरह रैंक ला सकते हो। तो बहुत इंटरेस्टिंग मतलब पॉइंट सौम्या ने बताया। सौम्या, उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपने कंसिस्टेंटली पढ़ा और मैं मतलब नतमस्तक हूँ, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हमारे पढ़ाने का जो तरीका है वो अच्छा है, और मैं हमेशा ही चाहूँगा कि हर बच्चा इसको पसंद करे, क्योंकि मैं इसी के लिए रोज़ क्लास लेता हूँ कि मेरी क्लास को हर बच्चा समझे और उसका कहीं ना कहीं हमारा रोल जो है उसको रहे। अच्छा सौम्या, जब आपने नॉर्सेट के 2 एग्ज़ाम दिए थे, एक एग्ज़ाम आपने दिया तब आप एलिजिबल नहीं थे, और दूसरा एग्ज़ाम जब आपने दिया नॉर्सेट 5, तो उसमें आपका प्रीलिम क्वालिफाई हुआ था, मेंस में आप रह गए थे। नॉर्सेट 6 आपने दिया नहीं था और 7 में आपने इतनी अच्छी रैंक निकाली। जब सौम्या ने नॉर्सेट 4 दिया तब तो ठीक है, सौम्या ने कहा मेरा तो रजिस्ट्रेशन नहीं था, नहीं हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी होता तो कौन सा मैं ज्वाइन कर लेती। नॉर्सेट 5 सौम्या ने दिया था, प्रीलिम सौम्या का क्लियर हो गया, मेंस में सौम्या रह गई, और जिस दिन रिजल्ट आया और सौम्या का नाम नहीं था लिस्ट में, उस समय आपको कैसा लगा? सर, बहुत बुरा लगा था। मतलब मैं भी होप कर रही थी कि मेरा रोल नंबर कहीं दिख जाए, बार बार मैंने सर्च किया लेकिन उसके मिला नहीं, लेकिन फिर भी मतलब मैंने हिम्मत नहीं हारी, कुछ तो कमी रह गई होगी, कुछ तो प्रिपरेशन में कमी, मैं वैसे भी जॉब में भी थी तो सोची कि शायद मैंने उतना टाइम नहीं दिया, एफर्ट नहीं दिया मेरा। तो फिर मैंने उसी चीज पे काम किया कि
उसके उसके प्रति मेरे को मतलब अभी टाइम देना है, एफर्ट देना है, उसको मैं वैल्यू दूंगी तभी वो मुझे मिलेगा। राइट। तो सौम्या ने असफलता को एक चैलेंज की तरह लिया, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। हर एक बच्चा नहीं कर पाता है, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। मैंने क्या कमी रख दी, क्या मैं जॉब की वजह से टाइम नहीं दे पाई, उसको एडजस्ट नहीं किया, उतना रिकॉल नहीं किया, उतना थ्योरी को मजबूत नहीं किया। और जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, ये एक बहुत सुंदर लाइन है। तो सौम्या ने सफलता के लिए कितना नींद का कुर्बान किया, मतलब कितने घंटे पढ़ाई करते थे सौम्या? मैं रात भर पढ़ती थी। मतलब नींद और चैन दोनों ही त्याग दिया सौम्या ने। देखो भाई, हर एक लाइन को सौम्या ने मतलब यहाँ पे निकाल के दिया है। तो डे टाइम में थोड़ा डिस्टरबेंस होता था और रात को मतलब सब सो जाते थे तो शांत रहता था, तो उसी टाइम ही मुझे थोड़ा प्रेफरेंस लगा कि हाँ ये इस टाइम अच्छा होगा। क्या बात है। तो जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, अगर ये आपने काम कर लिया तो संघर्ष के मैदान को छोड़ मत भागो तुम। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन होती है। तो संघर्ष सौम्या का भी रहा है बच्चों, आप इनकी जर्नी को देखो, तो एग्जाम्स दिए हैं इन्होंने, एग्जाम को छोड़ा भी है, अपनी तैयारी को मजबूत बनाया है। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, करना पड़ता है, ये सौम्या का भी कहना है। और किया तो आज जय जयकार है, 49 रैंक के साथ में इनको अपना मन पसंदीदा एम्स मिल जाएगा। और सौम्या, जब आपने रिजल्ट आया था कल शाम को, तो आपने आपके पास में रिजल्ट कैसे पहुंचा, और आपने अपना जब रैंक देखा तो पहला इन्फॉर्मेशन किसको दिया और उसका पहला रिएक्शन क्या था? जब शाम को रिजल्ट आया, मैं तो हमेशा ही मतलब एम्स का साइट चेक करती रहती थी, लेकिन मुझे मिलता ही नहीं था, रिजल्ट आता नहीं था। पर मैंने मैंने जब चेक करना बंद कर दिया तो फिर ग्रुप में आ गया पीडीएफ। अच्छा। तो फिर उसमें मैंने अपना रोल नंबर पहले टाइप किया तो फिर देखा 49 रैंक, तो थोड़ा मुझे भी थोड़ा यकीन नहीं हुआ। फोर्टी नाइन मतलब हाँ, ये कैसे तभी हो गया? एक टाइम था जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था मेंस में, और अभी 49 हो गया। फिर अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। पहले तो यकीन नहीं हुआ, तो फिर पहले मैंने मम्मी को बताया और वो रो पड़ी, तो वो रोई ना, तो वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा। वो खुशी के आंसू थे। क्या हाँ सर, खुशी के आंसू थे। हाँ बात है, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगी, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर रसगुल्ला दिखलाएगा। तो वो सपना उसका पूरा हुआ है, वो आपकी मेहनत थी, और वो मेहनत उस माँ की आंखों में आंसू के रूप में, खुशी के आंसू के रूप में निकली। वो सौम्या का जो रात रात भर जागना, और वो जाके जो मतलब जो मेहनत करना का जो लगन थी, वो लगन जो थी, वो उस खुशी के, मतलब हम ऐसा करते हैं ना कि हम मेहनत करते हैं तो हम चाहते हैं कि कोई उसका 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 ऐसे मोल नहीं लगाया जा सकता, लेकिन वो जो उनके रिएक्शंस होते हैं, वो जो उनकी खुशी होती है, वही मोल है। मतलब वो उस मेहनत को अनमोल बना देता है, इसलिए उस मेहनत पे हमें ज़िंदगी भर प्राउड होता है। तो यू डेफिनेटली डिड इट सौम्या, एंड रियली प्राउड ऑफ यू। जो भी हमारे बच्चे हैं, अब आपकी मदर की आंखों में खुशी के आंसू आए थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने रोल नंबर सर्च किया पर लिस्ट में नहीं मिला था, और नहीं मिला तो उनको बहुत बुरा लगा, चार जगह मैसेज भी डाले, हमारे पास में हजारों मैसेजेज आए, सर नहीं हुआ क्या करें, हमने अपने तरीके से उनको जवाब भी दिया, बच्चों को संभाला। सौम्या क्या सजेस्ट करेंगे कि जो बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिनका रिजल्ट नहीं निकला है, क्या करना चाहिए बच्चों को इस समय? सर, मैं तो यही बोलूंगी कि होप कभी भी मतलब नहीं छोड़ें और अपना प्रिपरेशन लगातार करते रहें। कुछ तो कमी रही होगी, मतलब टाइम नहीं मिला होगा या फिर उतना अच्छे से रिवीजन नहीं हुआ होगा या तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, बस क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हुआ आंसर, तो उस टाइप का हुआ होगा, तो उसको थोड़ा समझ के उसमें सुधार करना चाहिए। और रही बात फेलियर की सर, तो फेलियर तो सबको होगा, और फेलियर अगर किसी को नहीं मिलेगा तो वो फिर सक्सेस का मजा कैसे लेगा। अगर 9 सेट 5 में मेरा हो जाता और 700 800 या 1000 रैंक रह जाता, तो आज मैं सर इंटरव्यू नहीं देती आपको, बात है। सारे बच्चे मुझे नहीं देखते, और शायद ये भी होता कि आपको अपना पसंदीदा एम्स भी नहीं मिलता, मनपसंद एम्स नहीं फिर मिलता। आपको पता हाँ नहीं सर, कहाँ ये जाना भी है। होता, फिर आपको पता नहीं कितना संघर्ष करना होता, लेकिन शायद थोड़ा सा टाइम और लगा, असफलता मिली थी लेकिन कुछ अच्छे के लिए मिली। तो कई बार अच्छे कुछ के लिए। बुरा जो हाँ है वो अच्छे के लिए होता है शायद, और हमें भगवान के भरोसे इस बात को छोड़ देना चाहिए। हमारे हाथ में मेहनत है, और उस मेहनत को दिल से करना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म तू करना, फल की इच्छा मत करना, वो मैं दूंगा,
और मेहनत तेरी बेकार नहीं जाएगी, वो आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा जो तू डिजर्व करता है। सौम्या डिजर्व करती है कि उसको चॉइस का एम्स मिले, और वो मिला। तो जिसका जो डिजर्व होता है उसको वो मिलता है, उससे पहले वो नहीं मिलेगा। और ये सौम्या का कहना है कि आप मेहनत करते रहे बच्चे, निराश ना होए। असफलता सिर्फ एक चुनौती होती है जो आपको और मेहनत करने के लिए कहती है, एक संदेश लेके आती है। आप कुछ तो कमी रही होगी जिसको आपको सुधार करना होता है, और फिर उसको लेके आपको आगे बढ़ना होता है। सौम्या, दिल्ली का क्या शेड्यूल रहता था, कितने प्रश्न आप करते थे, थ्योरी कितना पढ़ा आपने, उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म से क्या क्या सीखा आपने? सर मैं पिछले जनवरी महीने से ही मतलब आपके नॉर्सेट सीरीज से जुड़ी हूँ। फिर पहले आप आपकी क्लासेस से जुड़ी, तो फिर मैं उत्कर्ष के से सारे टीचर्स के साथ जुड़ गई, मतलब उनका सबका क्लासेस लेने लगी। ठीक है। फिर सर मतलब डेली के बेसिस में मैं कभी कभी मिनिमम 8 घंटा भी होता था, और मैक्सिमम 15 घंटा भी मतलब क्रॉस कर जाता था। कभी कभी मतलब ऐसा जोश चढ़ जाता था कि हाँ आज इतना वीडियोस खत्म करना है, इतना नोट्स इसमें बनाना है, उसको फिर रिविजन करना है। तो फिर मैं सर घंटे के ऊपर फोकस नहीं करके मतलब मेरा जो कंटेंट रहता था कि मुझे ये इतना आज कंसेप्ट क्लियर करना है, ताकि अगर मैं कल इसके ऊपर मतलब एमसीक्यू करूँ तो मुझे हर चीज आना चाहिए, राइट। तो उस हिसाब से मैं लग जाती थी। तो 10 से 12 घंटा बोल सकती हूँ ऑन एन एवरेज। मतलब टाइम बाउंडेशन नहीं था, सब्जेक्ट बाउंडेशन पढ़ाई की, आज इतना कंप्लीट करना है, कल इतना करना है, और उसमें जितना समय लग जाए देने को तैयार थे। तो वक्त तो देना पड़ता है चीज़ों को क्लियर करने के लिए। और सभी बच्चों को चाहिए कि आपको भी इस तरीके से पढ़ना है, थ्योरी क्लियर करें, फिर उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, तो डेफिनेटली सफलता जरूर मिलती है। सौम्या, आपका जो तो अटेम्प्टिंग था प्रीलिम्स का नॉर्सेट 7 में, वो कितना था टोटल? सर मैंने 91 अटेम्प्ट किया था, 91। और नॉर्सेट मेंस में? मेंस में सर 147। 147। तो 91 प्री में और नॉर्सेट मेंस में 147। तो जितने भी बच्चे एग्जाम देने के बारे में आगे भी प्रोसेस करेंगे, तो उनको कम से कम ये भी ध्यान रखना है कितना अटेम्प्टिंग करने पे कहाँ तक रैंक आता है, और गलत होने पे रैंक कहाँ चला जाता है, और करेक्ट करने पे रैंक कहाँ आता है। तो आपको थोड़ा करेक्ट करना होता है, तब आपकी रैंक ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब जितना आप एक्यूरेसी पे काम करते हैं वो आपकी रैंक को हमेशा सुधार के देता है। सौम्या, ऐसी कोई लाइन जब आप निराशा महसूस करते हो कभी जिंदगी में, कई बार हर दिन आदमी के लाइफ में कभी ना कभी तो ये चीज़ आ ही जाती है, हम कितना भी अपने आप को ठीक रखें, तो उस समय सौम्या जो है उसका सहारा क्या था? सर अभी तो ऐसा बहुत टाइम आया कि मतलब वीडियोस वगैरह भी अगर मोबाइल से देखती हूँ या फिर लैपटॉप से देखती हूँ, तो एक टाइम आता था पूरा आंख दुख जाता था, तो फिर ना चश्मा पहन पाती थी ना ऐसे देख पाती थी, लेकिन सर दर्द होता था, पढ़ पढ़ के भी सर दर्द होता था, मतलब टायर्ड फील होता था लेकिन। और फिर कभी कभी लोनलीनेस भी, और थोड़ा डिप्रेस्ड भी लगता था इस बार होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स सर उनका बहुत एक्सपेक्टेशन था मेरे से कि इनका तो हो जाए, राइट। तो फिर वो मुझे ज्यादा उसकी वजह से मैं ज्यादा प्रेशराइज थी कि अगर नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे, उसी वजह से थोड़ा मैं डिप्रेस थी सर। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये सब नहीं सोचना है, अगर वो सोचूंगी तो फिर यही सोचते सोचते मेरा आधा घंटा, फिर घंटा, फिर 2 घंटा दिन भर बर्बाद हो जाएगा। तो ये ना सोच के पढ़ाई करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, यही मैंने सोचा। और गणपति बप्पा को बहुत मानती हूँ, तो अगर थोड़ा अच्छा नहीं लगता था तो उन्हीं के सामने मतलब बोल देती हूँ कि हाँ ऐसा लग रहा है पापा, ऐसा करके। और थोड़ा ध्यान रख लेना। आपका जब क्लास लेती हूँ सर, तो आपका जो 2 4 बात आप क्लास के स्टार्टिंग में भी बोलते हैं, लास्ट में भी बोलते हैं, सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, तो ये सब बात अगर महसूस करेंगे तो बहुत बड़ी बात है सर। क्या बात है, बहुत तो बढ़िया। इस तरफ से तो डेफिनेटली जब हम किस हम हमसे जब एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, सौम्या ने बहुत अच्छी बात की, तो मेहनत अपने आप शुरू हो जाती है। सौम्या के लिए उन सभी स्टूडेंट को धन्यवाद जो आप अपने मैडम से एक्सपेक्टेशन करते थे, और आप ये भी बच्चों सीखो कि आपकी मैडम ने आपकी सभी एक्सपेक्टेशन के ऊपर एकदम मतलब सोना खरा उभरा है। तो आप समझ सकते हो, कई बार ऐसा होता है एक्सपेक्टेशन हमसे होती है, मेहनत भी हमारी होती है, पर परिणाम उसके अनुरूप नहीं मिलते हैं, तो लोगों ऐसा समझते हैं कि भाई इसको तो शायद आता नहीं होगा। तो याद रखें कि आपकी मैडम को आता भी है और उन्होंने प्रूव भी कर दिया है। तो अब आप लोगों को भी इसी रैंक के साथ में सेलेक्ट होना है जब आप जो है अपना एग्जाम्स देंगे, है ना। तो डेफिनेटली उनका पढ़ाया हुआ आपको भी काम आएगा, क्योंकि उनके पास में वो ज्ञान है जो वो आपको पढ़ाते थे, और वही ज्ञान जो है उन्होंने इस एग्जाम को क्रैक करने में लगाया है। तो थैंक यू सो मच सौम्या,
आप हमारे साथ में जुड़े, आपने इतनी सारी हमें बातें बताई, और जो भी बच्चा सुन रहा है वो बहुत कुछ सीखेगा इन चीज़ों से, और आने वाले एग्ज़ाम में एक ज़बरदस्त रिजल्ट जो है आपकी तरह ही अपने पेरेंट्स के लिए देगा। तो आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत बधाई, आपके पेरेंट्स के खुशी का दिन है कि दिवाली के इस मौके पे आपने उनको बहुत अच्छी और इतनी ज़बरदस्त न्यूज़ दी है, तो डेफिनेटली वो इस दिवाली को एक खुशियों वाली दिवाली के रूप में मना पाएंगे। और आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं उत्कर्ष परिवार की तरफ से। आप ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और मौका मिले तो हमारे जोधपुर के सेंटर पे जरूर विजिट करिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमारे बच्चों से मिलिएगा, हमसे मिलिएगा, हमारी पूरी टीम से मिलिएगा जो दिन रात लगी रहती है इस मेहनत के अंदर, ताकि भारतवर्ष के सभी बच्चे जो है अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर पाए। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। तो ये थे सौम्या उड़ीसा से बच्चों, और ये इनके संघर्ष की कहानी इनकी जुबानी थी। सौम्या ने नॉर्सेट 7 के एग्जाम को क्रैक किया है ऑल इंडिया 49 रैंक से। तो आप देख सकते हो शानदार रिजल्ट दिया। आप लोग भी सौम्या की इस बातों को सुने, और एक शब्द सौम्या ने बोला था कि उसको बातों को आत्मसात करना पड़ता है। जो भी बात हम सुनते हैं उसको हमें दिल पे लेना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, उसके अंदर घुसना पड़ता है, तो फिर वो हमारे काम करती है। तो आप इनकी बातों को मतलब एकदम खरी बात समझे, और इनका जो तरीका था उसको फॉलो करें, एग्ज़ाम को एक सीरियस तरीके से देने का प्रयत्न करें, पढ़ाई को समय में बांधे नहीं, पढ़ाई को टारगेट दे दे के पढ़े। आज मुझे पीडियाट्रिक ख़त्म करना है, आज मुझे ये टॉपिक ख़त्म करना है, इसमें जितना वक्त लगे वो मैं देने को तैयार हूँ। रात की नींद चैन ये भी त्यागा है सौम्या ने, तो आप भी इस त्याग के लिए तैयार रहें बच्चे, क्योंकि सफलता जो है वो त्याग मांगती है, परिश्रम मांगती है, मेहनत मांगती है, और वो अगर आप करेंगे तो आई गारंटीड कि सौम्या और सौम्या से भी अच्छी रैंक, मतलब इससे भी अच्छी रैंक आप भी ला सकते हैं, तो आपको अपना पसंदीदा एम्स जो है वो मिल जाएगा। तो ये थी सौम्या की कहानी उनकी जुबानी। आप सभी बच्चों को ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर नॉर्सेट 8। अच्छे से पढ़े, मस्त होके पढ़े, और जिंदगी में टेंशन किसी बात की नहीं ले, खुद पे काम करें और एक अच्छी प्रिपरेशन आने वाले एग्जाम के लिए करें। तो फिर मिलते हैं एक और नए सफल कैंडिडेट की कहानी उनकी जुबानी के साथ में एक नए एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।